कर डालेगा सर। ये जो पुलिस का नहीं है जाने के लिए मना किया है। हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी भैया गाड़ी को रहने दो, गाड़ी को यही में रख देगा, पुलिस स्टेशन में ये गाड़ी जो यही रहेगा, चाबी को हम लोग जब कोशी आएगा तब हम लोग दे देगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। Welcome Motors and Multicar Service at Lakey Village announces its services for Toyota vehicles like Fortuner and Innova. For booking or queries, please call given below number. अभी तक तो सक्सेसफुल चल रहा है, यू कैन सी कोई भी दुकान नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है एक्सेप्ट आपका ये यूटिलिटी सर्विसेज को जो हम लोग ये किया था एग्जामिशन था, और कुछ स्टूडेंट्स जिसका सीबीएसई एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम है वो सिर्फ है, उसको छोड़ के तो कुछ भी नहीं चल रहा है। डेफिनेटली कर रहा है क्योंकि वो आपका माध्यम से भी आप देख लीजिए। फेलिक्स सर का देखिए, फेलिक्स सर का स्टेटमेंट जब दिया था, हम उसको कल ये प्रेस ब्रीफिंग में रिड्रेस किया है, पॉइंट बाय पॉइंट किया है, वो जो उसका आइटो मैंने ट्रूथ जो उसका कोई जो भी कल प्रेस ब्रीफिंग ओम मिनिस्टर आची बामंग फेलिक्स और स्पोक्स पर्सन का हिसाब से दिया है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, वो जस्ट आई वॉस है अंशु को और दिलइंग टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें कहीं भी टाइम फ्रेम टाइम बाउंड कुछ भी नहीं था करेगा बोल के ऐसे लमसम में दिया है, इसलिए हम लोग गोन है। देखिए डीसी कैपिटल जो अपना हिसाब से वो एक ड्यूटी ये उसको डिस्ट्रिक्ट का डीसी है, और वो चाह के भी वो क्या करेगा, उसको गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से जो कानून है वो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो आईपीसी जो सीआरपीसी को उसको पोलो स्लिप करना होता है। और इंडिया में तो बहुत सा प्रोटेस्ट चलता है, आपका पार्मर लॉ चला है, आपका बीजेपी सरकार होते समय भी आपका जनधन क्या कुछ आंदोलन चला है, इसका बात ए पी आर सी इशू चला है, पब्लिक का हित में तो आप लीगल इलीगल को देखते रहने से कैसे होगा। और यहाँ सवाल हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी अंशु का इज्जत का बात है, अंशु इसका बात स्टूडेंट कम्युनिटी का बात है, हम लोग तो इसमें कर रहे हैं, वो अपना ड्यूटी को कर रहे हैं, हम लोग अपना ड्यूटी को कर रहे हैं। तो इलीगल होने से भी अभी आप देखिए सरकार का बात को सुन रहा है ना, अंशु को कोऑपरेट कर रहा है, आप लोग देख लीजिए अभी हाँ डेफिनेटली उसका बात हम लोग विल हैव सेकंड मीटिंग, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मीटिंग होगा, बीएसयू को फिर जनरेट करेगा, और नहीं होने से तो हम लोग का इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं, हम लोग का गो ऑन है। नहीं अभी नहीं दे सकता है क्योंकि वो उसका एक मॉडलिटीज होता है, हम लोग का हम प्रेसिडेंट अंशु होने से भी हम पूरा
एंटायर एग्जीक्यूटिव का साथ एक रेजुलेशन लेके ही हम लोग करते हैं, और इस बीच में कोई सीबीएसई का एग्ज़ाम भी चल रहा है उसको भी हम लोग ध्यान में रखे, स्टूडेंट हेम्पर ना हो, स्टूडेंट एक्टिविटी हेम्पर ना हो, वो सबको हम लोग ध्यान में रख के काम करेगा। देखिए वो जो सरकार बोलने से भी हम लोग अल्टीमेटम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिया है, हम लोग अल्टीमेटम पहले हम लोग का जो पॉइंट जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर और बामंग फेलिक्स का साथ था वो दोनों रिड्रेस नहीं कर सका है बोल के हम लोग जब हम लोग हायर लेवल में चला गया तो वो दोनों कौन होता है बुलाने वाला। और दूसरा अंशु टीम अंशु अभी दोनों का लीडरशिप में कॉन्फिडेंट और फेथ नहीं रह गया कि हम लोग को जस्टिस डिलीवर करेगा बोल के, और इसको रिड्रेस करने के लिए हम लोग हायर अथॉरिटी में अब खुद को ये सब बोलता है कि कल भी बोला कि पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो लेट अस सी कि पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट है बोला है तो हम लोग चीफ मिनिस्टर को रिड्रेस किया है, हम लोग को कौन सा एंगल मिले जाता है वही हम लोग रुक रहे हैं अभी। डेफिनेटली ये कोई नाबम दोदम का आंसू नहीं है, और ये इशू नाबम दोदम का कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, आज जैसे सपोर्ट करता है ऐसे करते रहना है, क्योंकि ये सरकार तो पब्लिक का वेलफेयर को कोशिश करता होगा और पीपल्स का पल्स को नहीं समझ रहा है, तो हम लोग तो ग्राउंड में रह के यहाँ का ग्राउंड का स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को मालूम है, पब्लिक का प्रॉब्लम को मालूम है, हम लोग इसलिए साथ दे रहे हैं। अंशु जो कुछ भी काम करता है जनरल पब्लिक का हित में काम करता है और स्टूडेंट कम्युनिटी का ही करता है, इसलिए उन लोग वॉलेंटियरली आज जैसे सपोर्ट करें ऐसे निकालना चाहिए हमेशा। क्या आपको लगता है कि आपका जो इश्यूज को लेकर जो गवर्नमेंट जो आपको कुछ गुमराह करने का साजिश चल रहा है ऐसा कुछ आपका? ये गवर्नमेंट कोशिश करने से भी गुमराह नहीं कर पाएगा अंशु को, हम लोग का स्टैंड क्लियर है, हम लोग का विजन क्लियर है, हम लोग का थॉट क्लियर है, और कोई भी एरा गेरा कोई इरेस्पॉन्सिबल वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि ये करेगा वो करेगा हम लोग गुमराह हो जाएगा, वो कोशिश करने से भी उसका बेकार में जाएगा।